गाइस नमस्कार गुड इवनिंग दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से कौटिल्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत है कल हमने जो 26 नंबर प्रश्न किया था ना वहां से आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां से आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे वाह 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 वा, मतलब याद हो गया बूम मैकेनिक है या मैजिक है क्या है मैकेनिक मिस्त्री है क्या भाई या मैजिक क्या है राम 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 सबको राम राम गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग चलिए हाँ ये भी बात सही है चलिए तो देखिए भाई कंप्यूटर मेमोरी ए सी मैकेनिक हो अच्छा ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे हमारे भी कभी होगा तो हम ज़रूर याद करेंगे आ, आप में से यहाँ पे कोई कोपा वाले है क्या प्लीज़ आज का पेपर कैसा हुआ कोई बताएँगे पेपर अच्छा गया है अरे वाह अच्छा ही जाना था बस पेपर कोपा वाले और भी कोई है तो वो एक बार थोड़ा सा शेयर कर दो पेपर अच्छा कैसा गया आप लोगों का बहुत अच्छा हो गया बहुत अच्छा चलो ठीक है फिर दो चार लोगों ने बहुत अच्छा कह दिया ना मतलब हो गया कार्यक्रम पेपर अच्छा ही था ठीक है आ, पेपर टफ था ही नहीं ठीक है पेपर ठीक था अच्छे लेवल का था अच्छा लेवल मतलब ठीक छोटा लेवल का था ज़्यादा कोई बड़े या भारी क्वेश्चंस नहीं आए थे तो वही चीज़ कहेंगे कि जो पढ़ लिया था जो मेहनत कर ली थी जो आ, लास्ट के दिनों में एम अरेंज किए गए थे वो बढ़िया थे है ना हाँ रामरतन में यही पूछ रहा था कि रामरतन की जितने भी कोपा वाले नया सिलेबस ही आया था ना एग्ज़ाम के अंदर ऐसा तो नहीं जो दूसरे सी वी बी ए पढ़ा रहे थे वो कुछ आगे थे सवाल कंप्यूटर में ऐसा तो नहीं आया था डीआरडी कोपा का जो आपने न्यू सिलेबस के अनुसार पढ़ाया था वही आया जो एग्जाम के प्रश्न आए थे न्यू सिलेबस के अनुसार आए थे सभी जो पढ़ा रहे थे पुराना सिलेबस कुछ नहीं आया वाह बस ठीक है मैं यही कहना चाह रहा था क्योंकि मैंने कहा था यार आप सब लोग कुछ कुछ लोग लो, टेंशन में थे कि मैं टेंशन मत मतलब लो यार सिलेबस नया हो चुका है तो नया ही आना है अब जो लोग पुराना पढ़ा रहे थे और जो लोग पुराना पढ़ रहे थे अब वो उन लोगों की समस्या है ठीक है एनीवेज आप सभी के परिणाम के लिए रिजल्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट नया सिलेबस बस हमने किया था अपडेट किया था वैसा ही आया है ना बस बस बहुत अच्छे बहुत अच्छे ये ऐसी बातें ऐसे जो सवाल है ठीक है तो वो आप लोगों का थोड़ा सा दिल अच्छा कर देती है बस और कुछ नहीं है ठीक <laughs> है ये गुरुजी डीआरडीओ में एक भी कंप्यूटर का सवाल नहीं आया अरे भाई कोपा ट्रेड में अस्सी सवाल ट्रेड का है तो जब ट्रेड के अस्सी सवाल है तो फिर तुम ये कैसे कह रहे हो कि कंप्यूटर का एक भी सवाल नहीं आया मजाक कर रहे हो सक्षम तुम भी मतलब ये जायज सवाल कौन है ठीक है जब ट्रेड के अस्सी सवाल आने थे तो अस्सी ही आएंगे और तुम Uh, कह रहे हो कि एक भी सवाल नहीं आया तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया ठीक है यू पी में हम लोग नया ही कर रहे हैं पुराना कुछ कर ही रही कर ही नहीं रहे और यू पी का अपडेटेड सिलेबस ही किया है मैंने आपको एम जो अरेंज किए हैं वही किए हैं और एक चीज़ जो जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर इतना मुझे बता दो आइडिया कि मैंने जब आपको ये बुक रेफर करी थी तो इसका फ़ायदा मिला या नहीं मिला बस ये बता दो कि कंप्यूटर अनुदेशक बुक रेफर करी थी एम ठीक है तो आपको इसका क्या फायदा हुआ ये बताओ बस ये फायदा बताओ हाँ भाई हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू। चलिए ओके चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को नमस्कार नमस्कार अरे बेसिक पेपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं कोपा की बात कर रहा हूं जब कोपा में अस्सी सवाल या ये जो ट्रेड के सवाल आने थे वो तो आने ही थे वो थोड़ी हट सकते थे है ना चलिए चले मैं दूसरे पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ बेसिक वाला जो 120 नंबर का आपका अलग पेपर होता है जिसमें टेक्निकल नहीं था वो जो आपका नॉन टेक वाला पेपर होता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं टेक की बात कर रहा हूँ ठीक है हाँ तो टेक जो था टेक ए जो था पेपर ना उसमें तो ट्रेड ही आना था आपका तो ट्रेड तो आया ही है ना ये कैसे कह सकता हूँ कि नहीं आया चलो एनिवेज आप सबको रिजल्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला सवाल सत्ताईस नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा फाइल और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर डैश संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है ध्यान से ठीक है ध्यान से बताइए ठीक है हाँ हाँ चलिए तो ध्यान से बताइएगा फाइल और फोल्डरों को सीधी सीधी बातें जब हम लोग हार्ड डिस्क की बात करते हैं ना गाइज़ हार्ड डिस्क की बात कर लो या कंप्यूटर की कोई भी आ, सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लो कंप्यूटर की आ, किसी भी सेकेंडरी मेमोरी में जब डेटा को आ, स्टोर करने के पैटर्न की बात करें जब डेटा को स्टोर करने के पैटर्न की बात करेंगे ठीक है पैटर्न की बात करें तो क्या होता है जैसे आ, माना कि डी ड्राइव है ठीक है डी ड्राइव में आप लोगों ने तीन फोल्डर बना दिए फोल्डर वन फोल्डर टू फोल्डर तीन अब फोल्डर वन में आप लोगों ने दो फोल्डर और बना दिए फोल्डर फोर फोल्डर फाइव टू में भी बना दिए थ्री में भी बना दिए इस फोर में और फोल्डर बन गए फिर अंदर और फाइलें चली गई मतलब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ब्रांचेस बनाता है तो कंप्यूटर की मेमोरी में जब डेटा स्टोर किया जाता है तो वो स्टोर होता है किसके अंदर वो स्टोर होता है एक हायर के अंदर ठीक है और यही हायर हम लोग क्या कहते हैं ट्री आपको पता है तो एक प्रकार की टोपोलॉजी भी है है ना जब इंटरनेट पढ़ते हैं तो वहाँ पर हायरार की एक टोपोलॉजी भी आती है जिसे हम लोग कहते हैं ट्री टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी जो होती है दो टोपोलॉजी का मिक्सचर होती है वो मिक्सर कौन कौन सा होता बता दो ट्री टोपोलॉजी ठीक है ट्री टोपोलॉजी दो अलग अलग टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन का, होता है तो वो दो टोपोलॉजी कौन सी है बीच में टोपोलॉजी आ गई ये बता दो ठीक है हाँ आ, नहीं शुभ्रा नहीं लेने की जरूरत नहीं है डियर है ना और पुराना वाला ही बैच आ, काफी है वही पढ़ा है हम लोगों ने अब अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है ये बुक का सोल्यूशन करते रहो बुक को सामने रख करके अपने हिसाब से टिक करते रहो बहुत है आपका काम हो जाएगा है ना ट्री टोपोलॉजी दो अलग अलग टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है वो भी बता ही दो यहाँ पे यस अजय कुमार सबसे पहला आंसर बस टोपोलॉजी प्लस स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है राइट आंसर सत्ताईस का भी ठीक है हाँ, मैं बटक गया था हाँ, एंड स्टार मोहम्मद अमर बट चलो चलो ठीक है चलो कोई बात नहीं बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस पे चलेंगे हम लोग थोड़ा सा बड़ा है ध्यान रखिएगा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं आपको फाइंड आउट करने हैं गलत क्या है ठीक है चलिए तो सी डी आर जो है सी डी आर सी डी आर सी डी आर अब सी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल ठीक है यानी कि ये वाली जो डिस्क है इसे हम लोग रोम भी कहते हैं ये वाली डिस्क है इसे हम लोग वर्म डिस्क भी कहते हैं ठीक है तो ये एक पुनर्लेखन डिस्क है पुनर्लेखन मतलब हम इसमें डेटा को वापस लिख सकते हैं रीराइट कर सकते हैं ठीक है तो पुनर्लेखन मतलब रीराइट करना और रीराइट का काम जो है इसमें हम लोग नहीं करते नहीं करते नहीं करते ठीक है जो पहले से रिकॉर्ड किए गए डेटा को मिटाने और नए डेटा को इस पर लिखने की अनुमति देती है ध्यान से सुनिएगा सी डी आर एक रीराइटेबल डिस्क है तो पहली बात तो बिरते ही गलत हो गई कि भाई यहाँ पर ये रीराइटेबल -री कैसे हो गई तो ये जो कहानी है वो गलत है ठीक है दूसरी बात सुनो सी डी आर डब्ल्यू में आर डब्ल्यू का मतलब होता है रीड एंड राइट तो जरा देखो भाई ये जो आर डब्ल्यू है ये आर डब्ल्यू को हम लोग कहते हैं रीराइटेबल री तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया और प्रश्न क्या बोल रहा था कि गलत क्या है तो ये बी आंसर हो गया आपका दोनों ही गलत है 28 का बी 28 का बी दोनों ही गलत है दोनों में से एक भी सही नहीं है दोनों ही गलत है क्लियर जिन्होंने बी ले लिया है वो सही है और जिन्होंने डी लिया है या जिन्होंने ए लिया है वो सब गलत है ठीक है टी टू का पेपर जो है चतुर्वेदी जी वो लगभग लगभग यू मान के चलो कि आ, आ, हम जैसा पिछली बार हुआ था मार्च के महीने में तो अभी तक का मेरा आइडिया यही कहता है कि फरवरी लास्ट या फिर मार्च मार्च पंद्रह मार्च के आसपास आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ठीक है चलो आगे चलते हैं। २९। हाई डेफिनेशन वीडियो की रिकॉर्डिंग और री राइटिंग और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज विकसित किया गया आपको ध्यान रखना है डेटा स्टोर देखो एक होता है एस डी एस डी और एस डी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन एस डी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन ठीक है थोड़ा अपग्रेड हुआ हमारे मार्केट में आया एच और इसे कहा जाता है हाई डेफिनेशन यानी कि थोड़ा सा ज्यादा साइज का डेटा ठीक है फिर और आगे गए तो फिर आया था आप कहा अल्ट्रा हाई डेफिनेशन अल्ट्रा हाई डेफिनेशन ठीक है अब डेटा को स्टोर करना है तो हमारे पास जो स्टोरेज की साइज़ है वो भी थोड़ी ज़्यादा होनी ज़रूरी थी तो एसडी के लिए हम लोगों ने डी को चूज़ किया एच के लिए हम लोगों ने ब्लू रेड डिस्क को चूज़ किया और यहाँ पर होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क को चूज़ किया अब हमारे पास में जब हम लोग एच की बात करेंगे तो एक सीधा सीधा आंसर है कि एच के लिए हमें क्या चाहिए ब्लू रे डिस्क बी ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे राइट right आंसर आपका हो जाएगा उनतीस का बी ठीक है हाई डेफिनेशन डेटा को स्टोर करने और चलाने के लिए हमारे पास में जो स्टोरेज बनाया गया वो स्टोरेज आपका कौन सा है वो स्टोरेज आपका है हाँ वो स्टोरेज आपका है ब्लू डिस्क क्लियर चलो तीस नंबर पर आ जाओ Uh, वर्तमान में सी द्वारा uh, निष्पादित प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाने वाला प्रोग्राम और डेटा जो है वो कौन स्टोर करता है प्राइमरी मेमोरी सहायक यानी कि आपकी हेल्पिंग या सेकेंडरी मेमोरी ठीक है फिर गौण यानी सेकेंडरी मेमोरी तृतीय यानी टारटेरी मेमोरी सिंपल सिंपल प्रश्न है बताओ यहाँ पर जल्दी जल्दी आंसर बताओ बल जल्दी जल्दी आंसर लगाओ हाँ फाइव फिफ्टी जी पर लेयर सही है से सीपीयू द्वारा करंट में जिस डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है वो कहां पर रहता है नमस्कार गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलो सुनिए बात सुनिएगा कि दो कंडीशन है एक तो होता है कि डेटा को प्रोसेस करने से पहले या डेटा को प्रोसेस करते समय दो कंडीशन है या तो प्रोसेस करने से पहले या प्रोसेस करने से पहले आ, करने करते समय दूसरा है डेटा को प्रोसेस करने के बाद तो अब इन दोनों कंडीशन में, में मेमोरी जो है वो अलग अलग हो जाएगी ठीक है डेटा को प्रोसेस करने के बात ठीक है तो प्रोसेस करते समय या प्रोसेस करने से पहले हम लोग इसे रखते हैं आपकी प्राइमरी मेमोरी में ये रखते हैं सेकेंडरी मेमोरी में ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये डेटा को रखती है टेम्प्रेरी यानी कि अस्थाई और सेकेंडरी मेमोरी रखती है डेटा को पर। आपकी कहाँ पर रखते हैं उसे हम लोग रखते हैं आपकी प्राइमरी मेमोरी में ठीक है राइट आंसर आपका हो जाएगा तीस का ए ठीक है राइट right आंसर आपका हो जाएगा तीस का है। अगर ये बोलता आ, प्रोसेस करने के बाद कहाँ रखेंगे तब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में जाते हैं ना हाँ सेकेंडरी मेमोरी में जाते यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूँ कि आ, अगर हम लोग ड्राइव का यूज़ करते हैं तो ये ड्राइव इन चार में से कौन सी मेमोरी है जल्दी जल्दी बताओ ड्राइव इन चार ऑप्शंस में से कौन सी मेमोरी है पेन ड्राइव कौन सी मेमोरी है ए बी सी डी में से बताओ एबीसीडी में से बताओ ड्राइव कौन सी मेमोरी है चलो अब देखो अब मैं कुछ क्लियर करता हूं यहां पर तीन बातें याद रखिएगा ऐसी मेमोरी जो मदरबोर्ड पर लगती है वो प्राइमरी ठीक है ऐसी मेमोरी जो तार या वायर का यूज़ करके और कैबिनेट के अंदर रखी जाती है कैबिनेट के अंदर रखी जाती है वो सेकेंडरी मेमोरी ठीक है हालांकि हम लोग सेकेंडरी मेमोरी ही पढ़ते सारी बट ऐसे प्रश्न में ध्यान रखिएगा ऐसी मेमोरी जो पोर्टेबल होती है और पोर्टेबल मेमोरी आ जाती है आपकी तृतीयक मेमोरी ठीक है जो पोर्टेबल होती है 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 ना जो पोर्टेबल होती यानी कि लगाया जरूरत पड़ी तब निकाल के जेब में डाल के रवाना हो गए ये वाली जो मेमोरी है यह आप लोगों की कहलाती है तृतीय मेमोरी ध्यान रखना टारटियरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी और टार्टियरी मेमोरी यह ध्यान रखिएगा इसलिए यहाँ पे डी आंसर होगा है ना हाँ फ्लैश मेमोरी को तीसरी प्रकार की मेमोरी भी हम लोग कहते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं इकतीस नंबर एक डैश में चुंबकीय डिस्क होती है एक डैश में चुंबकीय डिस्क होती है जिसके प्लेट जिन्हें प्लेटर्स कहा जाता है और जो डेटा रिकॉर्ड करती है यानी कि सीधी सीधी बात है कि ये जो प्लेटर्स है ये कहाँ होते हैं प्लेटर्स तो देखो एक हाँ भाई हो गया क्या सही जल्दी जल्दी बोल दो क्लियर अभी क्लियर हो गया क्या हाँ थोड़ा सा आ, क्या था कि एक नेटवर्क का ग्लिच आ गया था इसलिए अभी देखो एक बार चलो तो राइट right आंसर हमारा हो जाएगा यहां पर हम लोग बात कर रहे थे किसकी आयरन ऑक्साइड की ठीक है वो किसके अंदर आता हार्ड डिस्क के अंदर क्यों क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो चुंबकीय होता है मैग्नेटिक होता है ठीक है तो इकतीस का आंसर हो जाएगा सी ठीक है आ जाओ आगे आ जाओ बत्तीस पे निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी है पोर्टेबल और यूएसबी फ्लैश मेमोरी है ठीक है जिसे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है देखो यूएसबी भी है और फ्लैश भी है यूएसबी भी है और फ्लैश भी है डीवीडी पेनड्राइव सी डी और फ्लॉपी डिस्क चलिए ध्यान से दीजिएगा आंसर डीवीडी पेनड्राइव सी डी फ्लॉपी डिस्क यानी कि पोर्टेबल यूएसबी है और फ्लैश भी है चलो हाँ भाई क्वेश्चन संख्या बत्तीस पोर्टेबल है यूएस है और फ्लैश है यानि कि पोर्टेबल भी है इसे कनेक्ट करने के लिए यूनिवर्सल सीरियल बस का यूज किया जाता है और डेटा के लिए फ्लैश का यूज करते हैं तो ये तीनों की तीनों जो राम कहानी है ये ऑप्शंस के अनुसार हमारे पास केवल और केवल एक ही के अंदर है और वो है पेन ड्राइव ठीक है बहुत अच्छी अगला तेतीस निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो एक ब्लॉक डिवाइस है कीबोर्ड टेप ड्राइव माउस या यूएसबी पोर्ट एक ऐसी एक ऐसी चीज जो आप लोगों की आ, टेप ड्रा सॉरी ब्लॉक डिवाइस है निम्नलिखित में से कौन सी आपके कंप्यूटर में ब्लॉक डिवाइस है ठीक है हाँ थोड़ी फटी हुई है बुक तो कोई बात नहीं रस्ते में हो जाता है इतना टेंशन मत लो कंटेंट को देखो थोड़ी छोटी मोटी अगर फट भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है हाँ चलो बताओ ब्लॉक डिवाइस देखिए ब्लॉक का मतलब क्या होता है ब्लॉक डिवाइस क्या होता है देखिए जब हम लोग ब्लॉक डिवाइस की बात करें तो ब्लॉक डिवाइस का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर में जब इन्हें यूज़ करते हैं तो एक ऐसे सॉकेट के अंदर इन डिस्क को पूरा अंदर डाल दिया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है मतलब किसी ब्लॉक के अंदर ये डिस्क पूरी अंदर चली जाती है और फिर बंद हो जाती है वो कहलाती है आप लोगों की ब्लॉक डिवाइस या इन्हें हम लोग जिप डिवाइस भी कहते हैं ठीक है जिप डिवाइसेस भी कहते हैं यानी कि एक ढक्कन खुलता है उसमें डिस्क रखते हैं वो पूरी अंदर चली जाती है और पैक हो जाता है तो कीबोर्ड तो पूरा का पूरा खुला है माउस पूरा का पूरा खुला है यूएसबी पोर्ट खुला जो टेप ड्राइव होती है ना इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक टेप इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक टेप ठीक है इसका एग्जाम्पल सी भी है डीवीडी भी है नहीं देखते सीडी को चलाना है तो एक बटन दबाते हैं ट्रे बाहर आती है सीडी को रखते हैं ट्रे अंदर जाती है फिर चलती है। इसका मतलब क्या हुआ सीडी पूरी की पूरी अंदर जा चुकी है इसलिए हम लोग इसे ब्लॉक डिवाइस या जिप जो डिवाइस है वो कहते हैं क्वेश्चन तैतीस राइट आंसर बी क्वेश्चन चौतीस अत्यंत बड़े डेटा सेट बहुत बड़ा डेटा है से से, डेटा सेट जो है जिसे एनालिसिस किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सके यानी कि उसे एनालिसिस करना हो उसका विश्लेषण करने के बाद में उसकी उपयोगी जानकारी में कन्वर्ट कर सकते कच्चा डेटा विशाल डेटा तेज डेटा या सिक्योर डेटा गोपनीय डेटा क्वेश्चन संख्या चौतीस राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा किस प्रकार का डेटा है देखो अत्यंत बहुत बड़े डेटा सेट जो एनालिसिस करने पर या पर या किए जाने उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते देखो बहुत बड़ा डेटा जब होगा तब हम लोग, लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हो वहां पर आप लोग और आगे जाते हो तो मशीन लर्निंग आती है मशीन लर्निंग के अंदर और जाओ तो आप लोगों को डीप लर्निंग मिलती है और वहां के आसपास आप लोगों को लगभग लगभग एक कंटेंट और मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं बिग डेटा बिग डेटा और बिग डेटा जो है उसे हिंदी में कहते हैं विशाल डेटा ठीक है इसे कहते हैं बिग ठीक है माना कि ये पूरा का पूरा बैकअप आ चुका है ठीक है अब आप लोग जब 10 तारीख को बैकअप बनाओगे ठीक है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा केवल और केवल 10 तारीख का जो बैकअप है वो इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो इसे क्या कहते हैं वृद्धिशील बैकअप ऑटो बैकअप क्विक बैकअप या आंशिक बैकअप पार्शियल बैकअप ध्यान से देखिएगा हाँ भाई एरर नहीं होनी चाहिए एक बार चेक करो अपने एंड से हां चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसे हम लोग बोलते हैं क्या देखो पुराना वाला जो डेटा था वो आपके पास पड़ा था उसके बाद में हर बार हर दिन उसमें नया बैकअप ऐड करते जाओगे तो इसे हम लोग कहते हैं आप लोगों का इंक्रीमेंटल बैकअप है ना इसे हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंटल बेकअप इंक्रीमेंटल बेकअप मतलब क्या हो गया कि पुराना बेकअप तो पड़ा था उसके बाद में केवल और केवल वही बेकअप रखा जो नया था है ना केवल और केवल वही बेकअप रखा जो नया था पुराने बेकअप की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी ठीक है तो 35 नंबर हो गया कि वह बेकअप क्या कहलाता है जिसमें केवल लास्ट पूर्ण बेकअप के बाद किए गए परिवर्तन शामिल होते हैं 9 तारीख को बेकअप था कोई चेंज नहीं करेंगे केवल 10 तारीख वाला बेकअप अंदर डाल देंगे इसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप है ना इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल ठीक है backup, चलो आगे छत्तीस नंबर पे आओ शब्द टू गीगा फ्लॉप्स क्या इंगित करता है देखिए सीपीयू दो गीगा हर्ट्ज़ की गति से चल रहा है सीपीयू जो मेमोरी डेटा ट्रांसफर है उसकी स्पीड दो जीबीपीएस है सेकेंडरी मेमोरी स्पेस जो है वो दो गुणा दो की पावर तीस बाइट्स के बराबर है सिस्टम है दो गुणा दो की पावर तीस फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकेंड की दर से निष्पादित कर सकती है गीगा फ्लॉप्स दो गीगा फ्लॉप्स गीगा फ्लॉप्स अब फ्लॉप्स का मतलब हो गया सीधा सीधा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड ठीक है अब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड की बात करें तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है और सुपर कंप्यूटर की स्पीड है इसका मतलब राइट आंसर डी है ठीक है हाँ तो राइट आंसर हो गया कि जैसे ही आप लोगों को फ्लॉप्स मिले ना ये फ्लॉप्स मिल गया इसका मतलब सुपर कंप्यूटर की स्पीड है ठीक है उसका मतलब सुपर कंप्यूटर की स्पीड है चलो सैंतीस नंबर पे आओ आई ओ ध्यान से देखिएगा आई ओ मेप्ड इनपुट आउटपुट इसे बोला जाता है इनपुट आउटपुट मेप्ड इनपुट आउटपुट क्या सूचित करता है कि डायनामिक मेमोरी अलोकेशन डी एम अनुमत है इनपुट आउटपुट का मेप्ड मेमोरी स्पेस में होता है मेमोरी का जो मैप्ड यानी कि मानचित्रण जो है वो इनपुट आउटपुट स्पेस में किया जाता है सीपी मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट के लिए अलग अलग एड्रेस स्पेस का सपोर्ट करता है तो इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट जो है वो क्या सपोर्ट करता है जब यहां पर आई है तो फिर क्या करेगा भाई सैंतीस का राइट आंसर क्या हो जाएगा देखो इनपुट आउटपुट मैप्ड किया हुआ है इसका मतलब क्या है पहले मैपिंग कर रखी है डेटा जो है वो सारा अलग अलग है अब आपका सीपीयू मेमोरी हो चाहे इनपुट आउटपुट हो उन दोनों के लिए डेटा जो है अलग अलग एड्रेस स्पेस में चल रहा है ठीक है इसे कहते हैं डी ठीक है मैपिंग कर लेना मतलब क्या हुआ कि सी uh, और इनपुट आउटपुट जो है इनका ऑलरेडी जो डेटा है इनका ऑलरेडी जो स्पेस है वो अरेंज किया जा चुका है थीके? ठीक है तो प्रश्न संख्या सैतीस राइट आंसर डी अड़तीस आओ निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन करता है रीड ओनली मेमोरी रीड वंस मेमोरी रीड ऑन मेमोरी या रीड अदर मेमोरी रोम का पूरा नाम पूछा है आप लोगों को यूपीपीसीएल ए आर ओ और एस एस सी टेन प्लस टू सी एच एस एल रोम का पूरा नाम क्या है रोम का पूरा नाम क्या है हाँ ऐसे गलत मत किया करो ये वो है क्योंकि देखो अगर ऐसे प्रश्न आपने गलत कर दिए ना तो ये होता ना कि जैसे आप खड़े थे एक टांग पे ठीक है दूसरी टांग चलिए आगे चलते हैं क्या हुआ बफरिंग और नहीं है एक बार चेक कर लीजिएगा मेरे इधर से ठीक हो गया वापस आज शायद नेटवर्क ईशू है है ना वापस उनचालीस प्रोसेस होने वाला डेटा कहाँ रहता है यह अभी आपको बताया था कि जिस डेटा को प्रोसेस किया जाता है वो कहाँ रहेगा प्रोसेस करने से पहले प्रोसेस करते समय और प्रोसेस करने के बाद तीन अलग अलग चीज़ें हैं ध्यान रखिएगा सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी यूनिट रीड प्रोटेक्शन यूनिट या कंट्रोल यूनिट सीधी सीधी बात है प्रोसेस होने वाला डेटा जो है वो आप लोगों का कहाँ रहता है बताओ भाई बताओ उनचालीस नंबर प्रोसेस होने वाला डेटा कहाँ रहता है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी यूनिट रीड प्रोटेक्टेड यूनिट या कंट्रोल यूनिट हाँ बहुत बढ़िया देखो क्या है कंप्यूटर में दो शब्दों का प्रयोग होता है एक होता है मेमोरी और एक होता है स्टोरेज ठीक है मेमोरी शब्द का प्रयोग कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के लिए करते हैं और स्टोरेज शब्द का प्रयोग कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के लिए करते हैं तो ये क्योंकि स्मृति है मेमोरी है इसलिए वास्तव में प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है और हम लोग जब डेटा को प्रोसेस करते हैं तो उन्हें रखते भी कहाँ पर हैं प्राइमरी मेमोरी में ठीक है ठीक है ओके आगे आ जाओ वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है रेम सी डी रोम रोम ई रोम सी डी रोम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी भी नॉन वोलाटाइल होती है तो रोम और ये ये सारा का सारा नॉन वोलाटाइल है यानि कि लाइट जाने के बाद में इनमें से डेटा डिलीट नहीं होता है रेम जो है वो वोलाटाइल है इनमें से डेटा डिलीट होता है ठीक है तो वोलाटाइल मेमोरी चालीस का एक हो गई ठीक है वोलाटाइल कौन है तो वोलाटाइल है आपकी रेम बाकी सारी नॉन वोला है ठीक है हाँ चलो इकतालीस रेम की विशेषता नहीं है तेज महंगा उच्च बिजली खपत या छोटा हाँ रेम की विशेषता नहीं है फोर्टी वन हां भाई हाँ यहां पर बिजली याद आ जाती सही बात है रेम की विशेषता नहीं है चलिए तो तेज तो है महंगी भी है उच्च बिजली खपत देखो प्राइमरी मेमोरी हर वो मेमोरी जो चिप के रूप में होती है और सीधा मदरबोर्ड से कम्युनिकेट करती है जिसे सीधा मदरबोर्ड पे लगाया जाता है वो डेटा तो ज़्यादा खाएगी और वो थोड़ा सा बिजली का खपत भी ज़्यादा खाएगी ठीक है छोटा होना कोई विशेषता नहीं है क्योंकि छोटी कहाँ होती है छोटा तो सी होता है रेम तो फिर भी सी से बड़ी होती है तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ये कोई विशेषता नहीं है छोटा होना तेज़ है महंगी है और बिजली भी जो है ज़्यादा खाती है यहाँ तक तो ठीक है ठीक है हा राइट आंसर आपका हो जाएगा इकतालीस का डी बयालीस वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन सा है ये देखिए फ्लैश ड्राइव मैग्नेटिक टेप रेम हार्ड डिस्क सेम सवाल असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी आया था टीजी टू री एग्जाम दो हजार सोलह में एन टी पी सी दो हजार सोलह में आया था तो देखिएगा फ्लैश ड्राइव मैग्नेटिक टेप रेम या हार्ड डिस्क यानी कि वोलाटाइल मेमोरी जो है आपकी कौन सी है फोर्टी टू हाँ सिंपल सिंपल बात है फ्लैश ड्राइव मतलब सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी मेमोरी डिस्क सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी सारी की सारी जो है उसे हम लोग नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं उसे हम लोग नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं ठीक है बच गया रेम और रेम जो है वो आप लोगों की है वोलाटाइल राइट आंसर आपका हो जाएगा सी फोर्टी टू में सी ठीक है फोर्टी थ्री इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है और वास्तव में प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए यानी कि एक चीज ऐसी है जो इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है और दूसरी बात प्रोसेसर से सिस्टम का कंट्रोल भी करवाती है रैंडम मेमोरी एक्सेस इंडेक्स सिक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस सिक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्वेश्चन संख्या फोर्टी क्वेश्चन संख्या फोर्टी राइट आंसर क्या हो जाएगा देखियो इकाई प्रोसेसर नकल करने में सक्षम है और प्रोसेसर से सिस्टम में नियंत्रण रखाया जाता है ठीक है यानी कि कंट्रोल पूरा का पूरा जो है वो किया जाता है री एग्जाम मतलब एग्जाम कैंसिल करके वापस लिया जाता है इसे बोला जाता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या इसे कहा जाता है रेंडम मेमोरी एक्सेस ठीक है हम लोग डेटा को सीधा सीधा वहाँ से जो है वो उठा सकते हैं ठीक है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है वो आपके कंप्यूटर में प्रोसेसिंग पावर जो है उसकी सप्लाई करता है ठीक है यानी कि यूँ समझ लो कि इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम और वास्तव में प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण यानी कि सी के द्वारा सिस्टम का कंट्रोल जो है वो आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के द्वारा होता है क्योंकि सी जो है वो सीक्वेंस नहीं करता यानी कि सी को अगर कोई डेटा एक्सेस करना तो कोई भी डेटा एक्सेस कर सकता है ऐसा नहीं है कि उसे अलग अलग सीक्वेंस में चलना पड़ेगा मतलब यू समझ लो कि सीपीयू आपके पास में है और आपके कंप्यूटर में एक लाख फाइलें हैं तो सीपीयू को एक सीक्वेंस में जाने की जरूरत नहीं है आपने जो भी फाइल एक्सेस करवानी है जो भी फाइल प्रोसेस करनी है वो सीधी सीपीयू में ला सकते हो इसे बोला जाता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या रेंडम मेमोरी एक्सेस ठीक है अब रेंडम मेमोरी एक्सेस जो है अलग भी दे रखा है इस प्रश्न के अंदर बट इसका मतलब यह हुआ कि हम डेटा को सीधा जा सकते हैं सीधा एक्सेस कर सकते हैं ठीक है चवालीस सीपीयू द्वारा किस मेमोरी का सीधे उपयोग नहीं किया जाता है ठीक है इसकी बजाय इस मेमोरी से प्राप्त डेटा पहले रैम में आएगा और फिर सीपीयू में जाएगा ठीक है ध्यान से देखिएगा कि किस मेमोरी का सीधे उपयोग नहीं होता जैसे सीपीयू है ठीक है और यहां पर ये वाली मेमोरी है ठीक है इसका सीधा एक्सेस जो है वो नहीं होता है यहां से डेटा पहले जाता है रेम के अंदर ठीक है और फिर रेम से डेटा जाता है सी के अंदर यानी कि ऐसी मेमोरी जिस पर सी सीधा एक्सेस नहीं रखता है है ना सीधा एक्सेस नहीं है पहले वहाँ से डेटा रेम में आता है और रेम से आता है आपका यहाँ पर ठीक है तो ध्यान रखिएगा सेकेंडरी मेमोरी पर सी का सीधा एक्सेस नहीं होता है वोलाटाइल मेमोरी यानी कि प्राइमरी यानी कि रेम प्राइमरी मेमोरी यानी कि रेम और रेम यानी रेम तो इसका मतलब ये तीनों तो होती है ए आपका नहीं होता फोटी में ए क्लियर हाँ फोर्टी फोर में ए फोर्टी फाइव पे आओ सेकेंडरी मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है तो देखो जब सेकेंडरी मेमोरी की बात करें सेकेंडरी मेमोरी ठीक है तो सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्जिलरी मेमोरी भी कहते हैं इसे हम लोग बैकअप मेमोरी भी कहते हैं इसे हम लोग परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं इसे हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं अब आपका प्रश्न कैसा है वो देख लो तो सेकेंडरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी यानी प्लब प्राइमरी मेमोरी इंटरनल प्राइमरी मेमोरी कैश प्राइमरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी क्लियर हाँ प्रश्न 45, राइट right आंसर आपका ए चलो 46 एक्सेस समय पर किस प्रकार की मेमोरी सबसे तेज़ है देखो एक्सेस समय यानी कि अगर एक्सेस टाइम कम है किसी का अगर किसी मेमोरी का एक्सेस टाइम कम है इसका मतलब वो मेमोरी उतनी ही तेज़ है ठीक है इस सीक्वेंस में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं रजिस्टर सेकंड सीक्वेंस में आती है आप लोगों की कैश थर्ड सीक्वेंस में आपकी आती है रेम फोर्थ सीक्वेंस में आती है वर्चुअल मेमोरी और फिर आपकी वही रॉम और सेकेंडरी मेमोरी अवेलेबल है तो अगर पूछे सबसे तेज मेमोरी तो सीपी का जो रजिस्टर है वो आपके कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है सेकेंड नंबर पर कैश मेमोरी है कभी कभी क्या करते हैं जैसे इस प्रश्न में क्या कर देंगे सीपीयू रजिस्टर देंगे ही नहीं ठीक है इसकी जगह पर आपको सीडी दे देंगे अब पूछे आपसे सबसे तेज कौन तब छियालीस में सी का ऑप्शन है वो सीडी कर दिया है अब कौन सा आंसर हो जाएगा यहां पर सिक्स में रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होगा हाँ, हां बहुत बढ़िया अब आपका कैश हो जाएगा ठीक है तो क्यों क्योंकि रजिस्टर आ, के बाद सेकंड नंबर कैश का, तो जब रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर ऑटोमेटिकली कैश मेमोरी हो जाएगी ठीक है फोर्टी सेवन निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थाई होती है स्थाई यानी कि नॉन वोला तो देखो रोम uh, जो है वो आपकी नॉन वोला होती है आर डी रेम यानी कि है तो रेम ही यानी कि वोला है एस डी रेम तो रेम ही यानी कि वोला है रेम 47 का ए 48 पे आ जाओ फ्लैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की कौन सी मेमोरी है 48 का आंसर दो राइट आंसर right क्या हो जाएगा देखो क्या होता है जब आप लोग रोम पढ़ते हो तो रोम के अंदर एक आती है डबल ईपी रोम इसमें क्या है डेटा को इरेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेजर का ठीक है या फिर ज़रूरत पड़े तो इलेक्ट्री इलेक्ट्रिकल पल्स ठीक है इनका यूज़ करते हैं अब दूसरे साइड में जो फ्लैश होती है मेमोरी उसमें भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं लेज़र का ठीक है तो क्योंकि इसकी तकनीक और इसकी तकनीक सेम है इसलिए डबल ईपी रोम जो है उसे हम लोग कहते हैं क्या एक विशेष प्रकार की फ्लैश मेमोरी ठीक है इसका मतलब ही होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ठीक है 48 का बी चलो 49। स्टोरेज डिवाइसेस के आ, सही क्रम को उनकी साइज के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में बनाइए छोटे से बड़ा ध्यान से सबसे पहले छोटी मेमोरी आएगी उसके बाद में बड़ी मेमोरी आएगी तो छोटे से बड़े की सीक्वेंस बनाओ बताओ भाई बताओ छोटे से बड़े की सीक्वेंस चलो तो सबसे छोटी रजिस्टर फिर कैश फिर रेम फिर हार्ड डिस्क फिर ड्राइव अब ये ड्राइव कोई भी हो सकती है जैसे हार्ड डिस्क से बड़ी हमारे पास में वो होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क है उसका भी यूज कर सकते हैं कैश के बाद रजिस्टर नहीं आएगा रजिस्टर के बाद कैश आ सकता है लेकिन रेम जो है वो आपका हार्ड डिस्क से पहले आएगा ठीक है इसलिए राइट आंसर आपका सी फोर्टी नाइन का सी पचास नंबर प्रश्न साटा और आईडी क्या है देखो आ, साटा के जैसे जैसे एक होता है साटा एक होता है पाटा एक होता है एस सी एस आई एक, एक होता है एस एस डी एक होता है आई डी ये सारी की सारी क्या है कनेक्टिविटी uh, के आधार पर कनेक्टिविटी के आधार पर हार्ड डिस्क के प्रकार ठीक है तो इस चक्कर में हार्ड डिस्क ड्राइव के जो प्रकार हैं वो हमारे पास हो जाएंगे पचास में सी समझ में आ गई बात अलग अलग हार्ड डिस्क के प्रकार ठीक है इक्यावन पे आओ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक ऐसी तकनीक है जिसमें सीपीयू देखो दो प्रकार की तकनीक होती है एक होता है सिक्वेंशियल एक्सेस और एक होता है डायरेक्ट सीक्वेंस में डेटा जो है एक ही सीक्वेंस में चलता है एक दो तीन ऐसे और डायरेक्ट एक्सेस में हम लोग डेटा को जो है वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं ठीक है तो ये कहता है इनपुट आउटपुट के लिए डेटा स्थानांतरण डिस्क ड्राइव के लिए डेटा ट्रांसफ़र नेटवर्क के द्वारा डेटा ट्रांसफर के लिए निष्क्रिय है या निष्क्रिय है और डेटा ट्रांसफ़र में कोई भूमिका नहीं निभाता तो पूछा जाता है कि सी जो है वो डेटा ट्रांसफ़र में क्या करता है सीपीयू जो है वो डेटा ट्रांसफर में क्या भूमिका निभाता तो देखो क्या होता है कि आप लोग जब कॉपी पेस्ट करते हो तो वहां पे काम करता है क्लिपबोर्ड ये सारा मैनेजमेंट देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लेना है जैसे आप लोगों को डेटा जो है वो पेनड्राइव से लेना है हार्ड डिस्क में लेके जाना ये सारा नियंत्रण यहाँ पर है यहाँ पर सी जो है उसका कोई रोल नहीं है ध्यान रखना कि जब डेटा ट्रांसफर हो जब डेटा ट्रांसफर हो तो वहाँ पर सी का कोई काम नहीं है सी पी डेटा ट्रांसफर में कोई भूमिका नहीं दिभा निभाता नहीं है ये केवल और केवल डेटा को प्रोसेस करता है ये केवल और केवल डेटा को प्रोसेस करता है ठीक है चलो तो सबसे पूछा है सबसे तेज कौन सी है और सबसे धीमी कौन है तो देखो भाई बात ऐसी है सबसे तेज कौन सी होगी प्राइमरी मेमोरी ठीक है तो राइट right आंसर आपका हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी अब कैश तो और धीमी होगी और नीचे देखो कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी हाँ ये आंसर सही है कि सबसे तेज कौन सी होती है प्राइमरी मेमोरी और सबसे स्लो कौन सी होती है सेकेंडरी मेमोरी तो इसलिए राइट आंसर आपका बावन का सी ठीक है यहाँ तक चलो तो बावन का सी आगे चलते हैं हाँ चलो ठीक है आज इतना ही करते हैं फिर बाकी हम लोग करेंगे कल थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी में थोड़ी सी समस्या ठीक है चलिए बाय बाय टेक केयर ध्यान रखिएगा